लैब सेशन 13 इज ऑल अबाउट वेब होस्टिंग। जैसे कि अब तक मैंने आपको बताया कि वेबसाइट आप किस तरीके से डेवलप करेंगे। अब हम देखेंगे कि आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है और आपने उसको पब्लिश करना है, आपने उसको होस्ट करना है। सो आज की इस लैब में कोई पर्टिकुलर लैब टास्क नहीं है, बट आप कोई भी रैंडम वेबसाइट लेकर, आप इंटरनेट से कोई भी ले लें या आप खुद से कोई भी वेबसाइट बना के आप उसको होस्ट करें, सो दैट यू विल गेट टू नो कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, राइट, एंड देन यू हैव टू साइन अप ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, सो इसके लिए आप यहां पर साइन अप करेंगे, अपनी डिटेल्स देंगे, यू हैव टू राइट योर ईमेल एड्रेस, योर पासवर्ड एंड री राइट योर पासवर्ड, राइट। उसके बाद फिर आपने अपना अकाउंट साइन अप कर देना है और उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी को चेक करना है। जैसे ही अपने इनबॉक्स को जैसे आप साइन अप कर लेंगे, सो उसके बाद आपने अपनी ईमेल पे जाना है। इनबॉक्स में जाने के बाद आपके पास जो लॉगिन का लिंक है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक और उसके बाद अब आप आ जाएंगे इस विंडो पे। यहां पर आप लॉगिन करेंगे उसी सेम आईडी से और पासवर्ड से जिससे आपने साइन अप किया था। उसके बाद आपके पास कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस यूजर इंटरफेस में आप देखेंगे कि आपके पास, लेट्स सपोज यहां पर जो भी जिस आईडी से भी आप लॉगिन हुए हैं वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। सो ये डिफरेंट यहां पर ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। सो यहां पर आपने जाना है एड साइट्स में, राइट। यहां पर जाने के बाद अब आपके पास इस तरह से एक विंडो डिस्प्ले होगी जिसमें आपने अपनी वेबसाइट को ऐड करना है, राइट। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का नेम दे दें, जैसे कि W3Schools का आपने सुना होगा या Google.com है या सो ऑन सो कोई भी है वेबसाइट जो आपने डिजाइन की है। लेट सपोज ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, पिज्जा हट, पिज्जा ऑर्डरिंग मैनेजमेंट सिस्टम या जो भी आपने वेबसाइट बनाई है उसका नेम लिखेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और आपने क्रिएट का बटन प्रेस कर देना है, राइट। उसके बाद आप आएंगे फाइल मैनेजर पे, राइट। फाइल मैनेजर पे जब आप आएंगे, यहाँ पर फाइल मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नाउ अब यहाँ पे आपके पास जो है ये इस तरह से यूजर इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है। इसमें ये जो ऑप्शन है, राइट, ये वाला ऑप्शन है, इसमें आपने अपलोड फाइल्स पर जाना है, ठीक है। अपलोड फाइल्स पे जब आप जाएंगे, इस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट फाइल्स का। बिल्कुल जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स बनाई हुई होती हैं, किस टाइप की आप फाइल्स होंगी, आपकी CSS की होंगी, स्टाइल शीट की फाइल्स हो सकती हैं, जावास्क्रिप्ट की हो सकती हैं, ठीक है, HTML की फाइल्स आपकी होंगी, या लेट्स सपोज इन फ्यूचर या अगर आपने PHP बेस्ड बनाई है वेबसाइट तो PHP की फाइल्स हो सकती हैं, राइट। सो ये आपने फाइल्स यहाँ पे सेलेक्ट करनी है एंड यू हैव टू अपलोड दोज फाइल्स, राइट। आप एक साथ भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने आपकी समटाइम्स ये होता है बूटस्ट्रैप यूज कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, या JQE यूज कर रहे होते हैं, तो वो सारी फाइल्स जो जो आपके प्रोजेक्ट की हैं आपने ऐड करवानी है, इस तरह से ये सब फाइल्स आपके पास ऐड हो जाएंगी, राइट। ये काम करने के बाद फिर अब आपने जब आप जनरल पे क्लिक करेंगे तो लेट सपोज मैंने वेब होस्टिंग लैब 13 के नेम से जो वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट की थी वो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास उसका एक लिंक बन जाएगा, राइट। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट को, जो वेबसाइट आप होस्ट कर रहे थे उसका ये लिंक बन गया, जैसे लेट सपोज Google.com है या W3Schools.com है, इस तरह से ये एक लिंक बन गया। अब ये वो लिंक है जो आप पब्लिकली दे सकते हैं, राइट। जैसे ही इस लिंक को मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये जो लिंक है इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करने के बाद जब आप उस लिंक को अपने ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो इस टाइप की जो भी वेबसाइट मैंने, जिस भी वेबसाइट की मैंने फाइल्स वगैरह अपलोड की थी, तो वो इस तरह से आपके पास रन हो जाएगी, ठीक है।
अब आपने ये करना है, आपने कोई भी वेब पेज डिजाइन करना है और उसको आपने सिंपली होस्ट करना है, राइट? और आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए भी, जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट को भी आपने होस्ट करना है। जो भी आपकी वेबसाइट है, आपने उसको सर्वर पर होस्ट करना है। आप चाहें तो सेम यही वेबसाइट यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने अभी ये ओपन किया है लिंक, तो मैंने वेब होस्टिंग यहाँ पर लिख दिया है, राइट? और उसके बाद ये खुद ब खुद जनरेट हो गया है पासवर्ड, इसको मैंने सबमिट कर दिया है। मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग डेमो लिख देती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसको सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पे आ रहा है कि वेबसाइट हैज बीन क्रिएटेड। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये ऐड हो जाएगा, राइट? अब आपने इस पे क्लिक कर दें, मैनेज योर वेबसाइट। अब इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है? सो अब आपने जाना है फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे जब आप जाएंगे, सो सिमिलरली यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, फाइल लिस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड फाइल्स का, राइट? सो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है फाइल। उसके बाद मैं यहाँ पर गूगल पे कोई भी फ्री टेम्पलेट्स यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर लूँगी, क्योंकि मैंने खुद से कोई वेबसाइट डिज़ाइन नहीं की है। सपोज मैंने एक ये फ्री टेम्पलेट डाउनलोड किया है और मैं इसको भी सेव कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इस फोल्डर में इसको सेव कर लिया, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। नाउ यू विल सी कि इसकी कितनी सारी फाइल्स हैं, राइट? इमेजेस, लेआउट पेजेस। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। सो हम सेम ऐसे ही फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ऐड फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। सो कितने फोल्डर्स हैं? इमेजेस, लेआउट पेजेस, तो तीन फोल्डर्स आप बनाएंगे। इस तरह से इमेजेस, लेआउट पेजेस के नेम से मैंने तीन फोल्डर्स बना दिए हैं। सो अब यहाँ पे आप देखें कि ये मेरा मेन फोल्डर है, इस फोल्डर में इमेजेस का है, लेआउट का है। अब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इमेजेस के फोल्डर पे, राइट? ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें तो आप यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर में आ गए हैं। और आपने जो वेबसाइट यहाँ पे डाउनलोड की है, इसमें इमेजेस के फोल्डर पे आप जाएंगे तो यू स्टिल हैव अनदर फोल्डर डेमो एंड इंडेक्स, ठीक है? सो अगर मैं सिंपल इसी को ही अपलोड कर दूँ, अगेन डेमो में भी है, सो आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है गैलरी का, सो ऑन सो, राइट? सो अब यहाँ पे आप देखें तो आपने कोई भी न्यू फोल्डर किसी फोल्डर में क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आपने फाइल्स को ऐड करवाना है तो आप फाइल ऐड करवा सकते हैं, और आपने अपलोड करनी है फाइल्स तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। सो ये काम करने के बाद यहाँ पे इस फोल्डर को अगर आप देखें तो डेमो के फोल्डर में इमेजेस, इमेजेस में ये एक फाइल थी, और डेमो के फोल्डर में मेरे पास बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड में दो फाइल्स हैं। सिमिलरली गैलरी के फोल्डर में मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, इसी तरीके से ये मेरे पास कुछ फाइल्स हैं। बिल्कुल सेम इसी फ्लो को फॉलो करते हुए ये डेमो का फोल्डर था, डेमो के फोल्डर में मैंने बैकग्राउंड्स का फोल्डर बनाया, इसमें ये फाइल्स अपलोड हुई हैं। बैकग्राउंड के फोल्डर में भी हम अपलोड कर देते हैं फाइल्स। सो मैं यहाँ पर डेमो में बैकग्राउंड के फोल्डर पे जाती हूँ, इन फाइल्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ, अपलोड कर देते हैं। इस तरह से ये फाइल्स जो हैं वो अपलोड हो गई हैं। सो ये आपके पास डेमो था, डेमो के अंदर आपके पास बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में फर्दर आपके पास ये फाइल्स हैं। इसी तरीके से गैलरी है, गैलरी में ये आ गए आपके पास। अब यहाँ तक मैंने अपलोड कर दी हैं, बाकी आपके पास ये लेआउट और पेजेस के हैं। सिमिलरली आप जब अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आपकी वेबसाइट के भी इस तरह इमेजेस, लेआउट्स, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं, यू हैव टू ऐड ऑल दीज फाइल्स, राइट? ये काम जब आप कर लेंगे, अगेन जब आप सारी अपनी वेबसाइट के जितने फोल्डर्स हैं वो अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद जब आप अगेन इस पेज पर आएंगे, सो इस पेज पर अब यहाँ पर आप देखेंगे
तो ये आपकी वेबसाइट का लिंक आ गया है, राइट? सो अब आप जब इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, मैंने चूंकि सारी फाइल्स और फोल्डर्स अपलोड नहीं की है, इसलिए मेरे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। आप जब कंप्लीट फाइल अपलोड कर देंगे सारी फाइल्स, तो आपके पास एक कंप्लीट वेबसाइट आ जाएगी, राइट? सो इस तरह से आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है। ये बेसिकली लिंक है, ठीक है? इस लिंक के थ्रू आप यहाँ पर जनरल में जाएं। जनरल में जाने के बाद यहाँ पर भी आपकी वेबसाइट का लिंक है, जिसके थ्रू आप वेबसाइट को आप रन कर सकते हैं, ठीक है? देख सकते हैं कि उसका यूजर इंटरफेस क्या है।